टोयोटा ने अपनी नई जनरेशन इनोवा का अनवील कर दिया है, जो कि इंडोनेशियन मार्केट में इनोवा जेनिक्स के नाम से लॉन्च हुई है, लेकिन इंडिया में ये इनोवा हाईक्रॉस के नाम से ही आएगी। इस गाड़ी के अनवील के साथ ही इसके सारे फीचर्स, लुक्स, परफॉर्मेंस भी अनवील हो चुके हैं। और इसी वजह से आज हम नई इनोवा हाईक्रॉस का कंपैरिजन करके देखेंगे करंट या ओल्ड जनरेशन इनोवा क्रिस्टा के साथ और देखेंगे कि कौन सी कार ज्यादा बेटर है। चलो। तो पहले बात करें दोनों के डायमेंशन की, तो इनोवा हाईक्रॉस की टोटल लेंथ है 4755 mm, वहीं क्रिस्टा की लेंथ है 4735 mm, हाईक्रॉस की विड्थ है 1850 mm, वहीं क्रिस्टा की विड्थ है 1830 mm, हाइट दोनों की सेम मिलेगी 1795 mm की, लेकिन हाईक्रॉस में हमको 2850 mm का व्हील बेस ऑफर किया जाएगा, जहां क्रिस्टा में केवल 2750 mm का मिलता था। तो साइज के मामले में नई इनोवा हाईक्रॉस ज़्यादा बड़ी है क्रिस्टा से, लेंथ, विड्थ और व्हील बेस सभी के मामले में। समझ गया। तो अब कंपेयर करें दोनों के इंजन स्पेक्स और पावर को, तो ओल्ड क्रिस्टा में हमको दो इंजन ऑप्शंस मिलते थे, एक 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन 164 हॉर्स पावर के साथ और दूसरा 2.4 लीटर का डीजल इंजन 148 हॉर्स पावर के साथ। वहीं अगर नई हाईक्रॉस की बात करें तो उसमें भी दो इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन दोनों पेट्रोल में। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नई इनोवा हाईक्रॉस में हमको कोई डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसमें एक तो नॉर्मल 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा 174 हॉर्स पावर के साथ और दूसरा 2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि अराउंड 186 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा। और साथ ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है तो माइलेज और रिफाइनमेंट पहले से काफी बेटर हो गए, लेकिन नई इनोवा की कुछ खराब बात भी है। क्या 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 क्या? जैसे क्रिस्टा मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में अवेलेबल थी, लेकिन नई इनोवा हाईक्रॉस केवल सीवीटी ट्रांसमिशन में ही मिलेगी। और साथ ही इनोवा पहले से ही रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती थी, लेकिन नई इनोवा इस बार फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी, जिस पर पर्सनली मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो अब कंपेयर करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर और एक्सटीरियर को। चलो भाई। तो पहले इंटीरियर की बात करें तो उसमें हमको पहले के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क मिलता है। पहले इनोवा क्रिस्टा में ऐसे थोड़ा बेसिक इंटीरियर आता था, मींस कुछ ऐसे खास फीचर्स वगैरह नहीं मिलते थे, लेकिन नई इनोवा हाईक्रॉस में टोयोटा ने इस बार काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया है। जैसे सेंटर में एक 10 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलती है, जहां क्रिस्टा में नॉर्मल 8 इंच की मिलती थी। हाईक्रॉस में पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए 10-10 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जो कि पहले नहीं आती थी। एंड और भी काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स, जैसे 360 डिग्री कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एम्बिएंट लाइटिंग। लेकिन दोस्तों, टोयोटा ने इस बार एक ऐसा फीचर दे दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, और वो आपको भी पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, सनरूफ। हाय हाय। नई इनोवा हाईक्रॉस में हमको इस बार सनरूफ भी ऑफर की जाएगी, और वो भी ऐसी वैसी सनरूफ नहीं, बल्कि एक पूरी पैनोरामिक सनरूफ। और एक्सटीरियर में भी इस बार लुक्स टोटली डिफरेंट है पहले वाली इनोवा से, जिसमें नई ग्रिल, नई हेडलाइट सेटअप, नए 18 इंचेस के बड़े एलॉय व्हील्स, न्यू रियर लुक्स एक्सेट्रा। तो जहां पहले इनोवा एक प्योर एमपीवी लगती थी, वहीं नई इनोवा हाईक्रॉस अब थोड़े एसयूवी वाले फील देती है उसके मस्कुलर और एग्रेसिव लुक्स की वजह से। बात तो सही है। तो अब बात करें दोनों कार्स की सेफ्टी के बारे में, तो वैसे तो दोनों में ही हमको ESP, ABS with DPD और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन नई इनोवा एक स्टेप आगे है ओल्ड इनोवा से, क्योंकि इसमें हमको एडास मिलता है, जिसमें गाड़ी अपने आप ब्रेक्स वगैरह मारती है सामने कुछ ऑब्स्टेकल सेंस करके। और दूसरा कि इसमें इस बार हमको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, जिससे ब्रेकिंग पहले से भी और बेटर होंगी। अरे बाबा। तो लास्ट में आए फाइनल कंक्लूजन पर, तो नई इनोवा हाईक्रॉस का भी ऑफिशियली प्राइस अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि इतने सारे फीचर्स और अपग्रेड्स हुए हैं, तो गाड़ी का प्राइस भी जरूर इंक्रीज होगा, जो कि ऑब्वियसली इतने फीचर्स के साथ जस्टिफाइड भी है। तो नई इनोवा डेफिनेटली एक बेटर अपग्रेड है ओल्ड इनोवा से, जिसमें हमको पहले से ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज, ज्यादा परफॉर्मेंस, ज्यादा सेफ्टी और बड़ा साइज मिलता है। तो जिनको एक बढ़िया स्पेशियस एंड कंफर्टेबल फैमिली कार चाहिए, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो बस यही था इस वाली वीडियो के लिए, आप कमेंट्स में बताना कि आपको नए वाली इनोवा हाईक्रॉस पसंद आई या पुराने वाली इनोवा क्रिस्टा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना,
मैं मिलता हूँ आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।